वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पर रेजन में स्वागत है। आज राइडिंग का मेरा दूसरा दिन है और आज मैं इस वक्त सुबह के 7 बजे है और मैं रॉयल ग्रीन होटल से बात कर रहा हूँ। कल रात को हम लोग यहीं पे रुके थे और बहुत ही ज़बरदस्त धमाल की थी रात को। हमने सभी राइडर्स ने हमें एक दूसरे के साथ में करीब करीब 2-3 घंटे बातचीत की थी और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही डीप कॉन्वर्सेशन हुआ पूरे दिन में, जो मिस्टेक्स को समझने के लिए और आगे की प्लानिंग किस तरीके से राइडिंग करनी है वो सब जानने के लिए। कल का ये कॉन्वर्सेशन बहुत ही महत्व का था और इससे काफ़ी कुछ चीज़ इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी हमें पता चला है दोस्तों आज की जो राइड है करीब करीब 130-140 किलोमीटर की राइड है। आज राइडिंग का हमारा दूसरा दिन है और आज की जो राइडिंग है वो हरिहरेश्वर से गणपति फुले के लिए है। 130-140 किलोमीटर की राइड है और कल जितने खूबसूरत नज़ारे मैंने यहाँ पे शूट किए हैं बीचेस के, उससे भी खूबसूरत नज़ारे आज यहाँ पे शूट होने वाले हैं और मुझे देखने मिलने वाला है। दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आज का भी ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। पसंद आए तो उस पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। दोस्तों इस वक्त हम बानकोट जेटी से सीधे आ पहुँचे हैं बागर मंडले जेटी पे। दोस्तों आज के दिन में हम करीब करीब 3 बार इस तरीके से अपनी बाइक को एक जेटी से दूसरे जेटी पे इस फेरी के माध्यम से लेके जाने वाले हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही खूबसूरत एहसास है। दोस्तों ऐसा करते हुए मैं अपने आप को बहुत ही एडवेंचरस फील करता हूँ और इस पूरी ट्रिप के दरमियान ऐसा अनुभव अपने आप में बहुत ही अद्भुत और सुखद होता है। दोस्तों ऐसा करते वक्त आसपास का नज़ारा भी इतना ब्यूटीफुल होता है कि मैं आपसे क्या कहूँ। दोस्तों यहाँ से बाइक ठीक बाहर ले जाके फिर हम सीधे बढ़ेंगे गणपति फुले की ओर और वहाँ पहुँचने के पहले करीब करीब हम 2 और जेटियों को क्रॉस करेंगे। दोस्तों यहाँ से बाहर आते ही आप कुदरत का इतना खूबसूरत नज़ारा देखिए। इस वक्त मेरे लेफ्ट साइड में कितना खूबसूरत नज़ारा और साथ ही राइट साइड में भी कितना खूबसूरत नज़ारा है। दोस्तों कोकण राइड का यही एक मज़ा है। आप इस वक्त तो बहुत गर्मी का माहौल है, लेकिन अगर आप बारिश के माहौल में अगर यहाँ राइडिंग के लिए आ जाओ तो मैं समझता हूँ कि कोकण की राइड सबसे खूबसूरत राइड में से एक है। दोस्तों कल रात डिनर के बाद हम सभी राइडर्स कुछ देर के लिए एक साथ में बैठ के डिस्कशन कर रहे थे, तभी राजीव सर ने एक बहुत ही महत्व की बात हम तमाम राइडर्स को बताई, जो इस वक्त में इस वीडियो के माध्यम से तमाम दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों उन्होंने ये बात बताई कि जब कभी हाईवे पे कभी भी किसी बाइकर का एक्सीडेंट होता है, भले वो आम व्यक्ति हो या कोई राइडर हो, तो कभी भी उसके हेलमेट को निकालने की गलती हमें जीवन में नहीं करनी चाहिए। हमारे गले के यहाँ पे जो छोटी छोटी हड्डियाँ होती है वो बहुत नाजुक होती है और हेलमेट को निकालते वक्त उनके डैमेज होने का चांस रहता है और सामने वाले व्यक्ति की पूरी ज़िंदगी बिगड़ सकती है। और एक्सीडेंट होने के बाद में हेलमेट के अंदर उसके ब्रेन की क्या कंडीशन है हमें ये पता नहीं होती है, तो किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में हमें किसी भी राइडर का एक्सीडेंट होने के बाद में हेलमेट नहीं निकालना है, उसे पास के अस्पताल में ले जाना है और डॉक्टर ही उसका हेलमेट निकाले, ये बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों कुछ लोग अपने हेलमेट पर इस तरीके का स्टिकर भी लगाते हैं कि एक्सीडेंट के बाद आप मेरे हेलमेट को ना निकाले, डॉक्टर ही मेरे हेलमेट को निकाले, इस तरीके का छोटा सा स्टिकर बना के वो अपने हेलमेट पर लगाते भी है। दोस्तों दूसरी महत्व की बात ये है कि जब कभी भी किसी बाइकर का एक्सीडेंट होता है तो हो सकता है कि उस वक्त उसके ब्रेन के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर चोट लगी हो। ऐसे हालात में अक्सर हम सभी लोग यही करते हैं कि जब एक्सीडेंट होता है किसी व्यक्ति का तो हम उसे पानी पिलाने की गलती करते हैं। दोस्तों ऐसी नाजुक सिचुएशन में पानी पिलाना भी बहुत डेंजरस हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। सामने वाले व्यक्ति को पानी पिलाने के बाद ब्रेन हेमरेज तक हो सकता है।
दोस्तों, इसलिए फिर एक बार इस वीडियो के माध्यम से मैं तमाम दर्शकों से अपील करता हूं कि जब भी कभी आप किसी बाइकर का एक्सीडेंट होते हुए देखें तो उसे हेलमेट निकालने की गलती ना करें और दूसरा उसे पानी पिलाने की गलती ना करें। दोनों ही सिचुएशन में आप उसे उठा के नज़दीकी अस्पताल में ले जाए और डॉक्टर के पास उसका ट्रीटमेंट कराए और डॉक्टर से ही कहे कि उसका हेलमेट निकाले। दोस्तों, वैसे मैं इस वक्त आपको बता दूं कि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है इस वक्त, और ऐसे क्लाइमेट में सारे गियर्स को पहन के बाइक चलाना अपने आप में बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। जैकेट, हेलमेट, ग्लव्स और काफ़ी कुछ इस वक्त पहना हुआ है, और इस वक्त समझिए गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बाइक चलाना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। दोस्तों, इस राइड पर आने के एक दिन पहले मैंने डीकैथलॉन से हाइड्रेट बैग लिया था। इस बैग के बारे में मैं इस वक्त बात करना चाहता हूँ। अगर मैंने ये बैग नहीं लिया होता दोस्तों, तो ये 3 दिन की राइड जो है मेरे लिए बहुत बड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती थी, बहुत बड़ी चैलेंजिंग हो जाती थी। दोस्तों, हर 15 मिनट में पानी का एक सिप जाने से मेरे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंच रहा है, और उस ऑक्सीजन की वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, और उस एनर्जी की वजह से ही मैं इस वक्त बाइक राइडिंग को इतने ढंग से कर पा रहा हूँ। दोस्तों, इससे पहले मैं भी अक्सर कभी दूसरे लोगों को बाइक राइडिंग करते हुए, साइकिलिंग करते हुए जब पीछे डिहाइड्रेट बैग लगाते हुए देखता था तो मुझे बड़ा हंसना आता था। ऐसे लगता था कि पाइप से किस तरीके से पानी पिया जा सकता होगा, मुझे देख के बड़ा अजीब सा लगता था। लेकिन इस बार मेरा खुद का ये व्यक्तिगत अनुभव है कि दोस्तों, अगर मैं हाइड्रेट बैग अपने साथ में कैरी नहीं करता तो ये राइड मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि आप बार बार बाइक को रोक नहीं सकते हो, बस एक पाइप से तुरंत आप पानी ले सकते हो और इसी से आप हाइड्रेट हो सकते हो। दोस्तों, एक और बात मैं आपको महत्व की बताना चाहूँगा कि लेह लद्दाख में जो लोग बाइक चलाने जाते हैं, जहाँ पे इतना अच्छा ठंडा क्लाइमेट होता है, वहाँ पर भी 15-15 मिनट में आपको पानी की एक सिप लेनी चाहिए, जिससे आपके बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहे और आपको बाइक चलाने में शक्ति मिले। गर्मी में अक्सर ये होता है कि सामने से जब आपके ऊपर हवा आती है तो हवा भी आपके बॉडी से जो होती है पानी को सोख लेती है, तो इससे आपका बॉडी का जो पानी का लेवल है वो वैसे ही गिर जाता है। तो उस कंडीशन में हालांकि आप मेहनत कुछ भी नहीं कर रहे हो, लेकिन हवा जो सामने से आ रही है वो आपके बॉडी से पानी को खींच लेती है, तब भी आप डिहाइड्रेट हो जाते हो बिना कुछ मेहनत किए। इसीलिए दोस्तों, मैं फिर आप सभी से एक बार अपील करूंगा कि जब कभी भी आप बाइक राइड पे जाते हो, भले किसी भी क्लाइमेट में जाते हो, तो एक हाइड्रेशन बैग अपने साथ में जरूर कैरी करें। ऐसा करने पे आपको बाइक चलाने में या साइकिलिंग में या जॉगिंग में किसी भी स्पोर्ट्स में आपको बहुत ही शक्ति मिलेगी, और शक्ति मिलेगी तभी आप उस स्पोर्ट्स को एंजॉय कर पाओगे। दोस्तों, तो फिर से एक बार आप सभी से मेरी विनती है कि हाइड्रेट बैग जरूर लीजिए और राइडिंग के बाद उसे अपने साथ जरूर कैरी कीजिए। दोस्तों, बाइक राइडिंग शुरू करने के बाद अभी तक हमने एक बार भी अपने बाइक में पेट्रोल रिफ़िल नहीं किया है, तो इस वक्त हम यहाँ पे एक पेट्रोल पंप पे जाके अपनी बाइक में पेट्रोल रिफ़िल कर रहे हैं, ताकि हमें आगे भी बहुत देर तक, बहुत किलोमीटर तक राइड करनी है, आज के दिन भी करनी है और कल के दिन भी करनी है। तो बेटर हमने यही सोचा कि इस वक्त नोबल पेट्रोल पंप पे हमारी बाइक को रोके, एक बार टैंक रिफ़िल कर ले। दोस्तों, इस 4 दिन की पूरी राइड के दरमियान हमारे साथ में एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर की टीम है, जो कि KTM ने हमारे साथ में भेजी है। दोस्तों, खूबसूरत नज़ारा देख के हमारे फोटोग्राफर ने हमसे कहा कि थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बाइक रोक ली जाए, ताकि हम सभी राइडर्स का वो एक अच्छा फोटोग्राफ क्लिक कर सके। दोस्तों, नज़ारा इतना खूबसूरत है कि मैं आपसे क्या कहूँ। इस वक्त ठीक मेरे सामने समुंदर है, और समुंदर की लहरें जो इस तरफ आ रही है, और इस तरफ उन लहरों का जो पानी इस तरफ आ रहा है, उससे पूरा तालाब बन चुका है, और आसपास बहुत सारी बोट है। ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं थोड़ा इस तरफ आके मैं हमारी टीम का भी फोटो लेके दिखाऊं कि किस फॉर्मेट में हम लोग एक ही एक के पीछे एक बाइक लगा के खड़े हैं, और इस वक्त सारे राइडर्स जो है फोटोग्राफी में लगे हुए इस खूबसूरत नज़ारे को देख के उसका आनंद ले रहे हैं। दोस्तों, इस राइड के तमाम फोटोग्राफ्स जो है मेरे इंस्टाग्राम पेज paresjain1977 पे मैं सारे फोटोग्राफ्स अपलोड करने वाला हूँ, और KTM इंडिया इंस्टाग्राम पेज है, उस पे भी KTM वाले सारे फोटोग्राफ्स को अपलोड करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि paresjain1977 को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, साथ ही KTM इंडिया को भी इन तमाम पिक्चर्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम पेज पे आप फॉलो कीजिए।
दोस्तों इस वक्त ठीक मेरे सामने एक खूबसूरत दृश्य आने वाला है, इसलिए मैंने अपने गोप्रो को फिर से एक बार रिकॉर्ड करने के लिए ऑन कर दिया है। दोस्तों ब्रिज के ऊपर मुझे बाइक राइडिंग करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अक्सर उसके नीचे से या तो कोई समुंदर जा रहा होता है या कोई तालाब, दोनों ही हालात में उसे उस ब्रिज के ऊपर राइडिंग करने का अपना एक अलग ही मज़ा आता है। दोस्तों इस दृश्य को और भी अच्छे से फिल्मा सकूँ इसलिए इस वक्त मैं बाइक के ऊपर खड़ा होकर सेडलिंग करने वाला हूँ, जिससे कि मैं इस पूरे दृश्य को अपने कैमरे में बहुत ही अच्छे ढंग से फिल्मा सकूँ और बहुत ही अच्छे एंगल से फिल्मा सकूँ। देखिए इस वक्त मैं सेडलिंग करते हुए इस दृश्य को कैप्चर कर रहा हूँ, तो आपको बहुत ही अच्छा एक व्यू मिल रहा होगा। सामने पहाड़ है, इस तरफ लेक है और राइट लेफ्ट तरफ भी लेक है। ये अपने आप में बहुत ही अभूतपूर्व और अविश्वसनीय अनुभव है इस वक्त मेरे लिए। दोस्तों इस वक्त लंच ब्रेक के लिए हम होटल अन्नपूर्णा में रुके हैं। सभी मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे बाहर खड़े हैं, अंदर शायद थोड़ी सी भीड़ है तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन हम हमारे शेड्यूल टाइम से एक आध घंटा लेट भी है, तो ठीक है, अब वेट करना पड़ेगा तो पड़ेगा, उसका और दूसरा रास्ता नहीं है। पर होटल मुझे देख के बहुत अच्छी लग रही है और उन्होंने हमसे कहा है कि ये होटल खास तौर पे बाइकर्स के लिए ही, और आप अपने बाइक के सारे गियर्स उनके होटल के बाहर रख दीजिए, अगर एक भी चीज़ चोरी हुई तो उनकी जवाबदारी उनकी, ऐसा उन्होंने हमें कहा है। मतलब वो खुद भी एक बाइक राइडर है और बाइक के प्रेमी है और सभी राइडर को बहुत ही प्रेम से यहाँ बुला के खाना खिलाते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और अंदर का एक व्यू दिखाता हूँ मैं कि होटल किस तरीके से है। दोस्तों इस वक्त मेरे साथ अन्नपूर्णा होटल के ओनर शांतन जी है, जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त खातिरदारी की, हमें बहुत ही अच्छा खाना खिलाया है और साथ ही मजे की बात यह है कि बहुत ही अच्छे राइडर भी है और बाइकर्स के लिए उनके दिल में बहुत प्यार है। तो मैं चाहूंगा कि दो शब्द शांतन जी इस वक्त हम सभी राइडर्स के लिए और आने वाले राइडर्स के लिए भी कुछ बताए। आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा और KTM राइडर्स मेरे इधर आ गए गुहागर में, मैं ये भाग्य समझता हूँ कि आज आप सब आ गए मेरे इधर पधारे। ये कोंकण में हमेशा आई है और हमारा तरफ से आपका स्वागत हमेशा रहेगा, और मैं जितने भी बाइकर्स आते हैं ना उनसे मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ,
और मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि जिंदगी के मजे ले लो और जिंदगी के साथ चलो और नेचर के साथ चलो। देखिए दोस्तों, इस वक्त ये कितना खूबसूरत नज़ारा है। सामने सारी बाइक एक के पीछे एक लगी हुई है और होटल के जो मालिक है इस वक्त अपने हाथ में फ्लैग लेके खड़े हैं और वो फ्लैग दिखाएंगे, उसके बाद ही तमाम बाइक जो है यहाँ से आगे गणपति पुले की ओर चलेंगी। दोस्तों इसे ही कहते हैं, मैं इसे ब्रदरहुड नहीं कहता हूँ, मैं इसे बाइकरहुड कहता हूँ। ये मैंने एक नया शब्द इसे दिया है। बाइकरहुड का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपका स्वभाव भले ही कैसा ही हो, आप भले ही किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आपके स्वभाव से और आपकी कम्युनिटी से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अक्सर हम जब नए दोस्त बनाते हैं तो हम दोनों के बीच में एक कॉमन बात ये होती है कि उसका स्वभाव और हमारा स्वभाव मिलता है तभी हम दोस्त बनते हैं। लेकिन बाइकरहुड में सामने वाले व्यक्ति का स्वभाव आपके स्वभाव से मेल ना भी करे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस इतना ही फ़र्क पड़ता है कि वो भी एक राइडर है और आप भी एक राइडर हो, और यही भावना आप दूसरे को, दोनों को एक दूसरे के और नज़दीक लेके आती है। देखिए दोस्तों किस तरीके से होटल के ओनर ने हमें फ्लैग ऊपर करके एक बहुत ही खूबसूरत सी विदाई दी है। दोस्तों तो मैं यही कह रहा था कि बाइकर का होना में यही इंपॉर्टेंट होता है कि सामने वाला का स्वभाव और सामने वाला व्यक्ति की सोच आपको कोई मैटर नहीं करती, सिर्फ उसका बाइकर होना ही आपको उसके करीब ले जाता है और साथ में राइडिंग करने का यही एक बहुत अद्भुत मज़ा आता है। और यही बात है कि लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक कम्युनिटी बन जाती है। दोस्तों तो ऐसे बाइकरहुड को मैं सलाम करता हूँ, ऐसे जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। दोस्तों जब आप अपने घर से करीब करीब 300-400 किलोमीटर दूर राइडिंग करके किसी रेस्टोरेंट में या किसी होटल में जाके खाना खाने बैठते हो और वहाँ पे आपको बहुत प्यार से, बहुत इज्जत से, बहुत अच्छी भावनाओं के साथ में आपको अगर खाना खिलाया जाए तो दोस्तों ये अपने आप में बहुत ही सम्मान की बात होती है। और ये सम्मान इसलिए है दोस्तों क्योंकि अन्नपूर्णा होटल के जो ओनर है वो खुद भी एक बाइक के शौकीन है और खुद भी एक अच्छे राइडर है, इसलिए राइडर्स के लिए उनके दिल में जो प्रेम है वो वास्तव में काबिले तारीफ है। आज उन्होंने हमें जिस प्यार के साथ में, सम्मान के साथ में खाना खिलाया है उसके बाद सारी थकान जो है वो दूर हो चुकी है। और सच कहूँ दोस्तों तो खाना भी इतना टेस्टी था कि मैं आपसे क्या कहूँ। खास तौर पे वहाँ पे हमने सोल कड़ी पी थी और वो सोल कड़ी इतनी टेस्टी थी कि मैं आपसे क्या कहूँ। दोस्तों अक्सर कई बार मुंबई टू लोनावला हाईवे के ऊपर कई बार मैंने सोल कड़ी का पीने का ट्राई किया है, लेकिन सोल कड़ी में वो टेस्ट नहीं था जो आज अन्नपूर्णा होटल की सोल कड़ी में था। और अन्नपूर्णा होटल की ही बात नहीं करता मैं, पूरे कोंकण में ये कहता हूँ कि आप जब कभी भी कोंकण की कोई राइड करे या टूर पे निकलिए तो कोंकण में सोल कड़ी बहुत ही अच्छी मिलती है, सब जगह अच्छी मिलती है। और सोल कड़ी जो होती है दोस्तों वो नारियल से जो दूध निकलता है उस दूध में विभिन्न प्रकार के पदार्थों को मिलाने के बाद में, मसाले को मिलाने के बाद में, और हल्की सी इसमें शुगर मिलाते हैं जिससे कि उसका एक अलग सा टेस्ट आता है। ये जो ड्रिंक है ये अपने आप में बहुत ही एनर्जेटिक ड्रिंक है। गर्मी के दिनों में सोल कड़ी पीने से आप डिहाइड्रेट नहीं होंगे और वाकई में इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो दोस्तों मैं फिर आपसे कहूँगा कि जब कभी भी आप कोंकण राइड के लिए निकले तो सोल कड़ी जरूर पीजिए, और अगर अन्नपूर्णा में है तो आपको सोल कड़ी मैं इंसिस्ट करता हूँ कि ट्राई करनी ही चाहिए। ये आज के दिन की हमारी तीसरी और सबसे आखिरी जेटी है जहाँ पे हम हमारी बाइक को फिर से एक बार फेरी में डालेंगे और ये नदी को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाएंगे और वहाँ से सीधे बाइक राइड करते हुए हम जाएंगे गणपति फुले की ओर। दोस्तों इस वक्त हम पहुंच चुके हैं अभिषेक बीच रिसोर्ट एंड स्पा गणपति फुले पर और इससे सीधे हम अंदर की ओर जा रहे हैं। दोस्तों इस वक्त देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉपर्टी बहुत ही खूबसूरत है और आज रात का स्टे हमारा यहीं पर है।
सच कहूँ दोस्तों तो एंट्रेंस देख के तो बहुत ही इम्प्रेस हो चुका हूँ। अब पता नहीं अंदर जाके प्रॉपर्टी कैसी होगी, लेकिन अक्सर दोस्तों जब आप 300-400 किलोमीटर राइड करके किसी प्रॉपर्टी पे स्टे के लिए पहुँचते हो और वो प्रॉपर्टी वाकई में बहुत अच्छी होती है, तो आपकी सारे दिन की थकान जो है वहीं ख़त्म हो जाती है और आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हो और फ्रेश फील करते हो। दोस्तों इस वक्त मैं होटल अभिषेक में हूँ, गणपति फुले पे ही है होटल। इसका नाम है होटल अभिषेक रिसोर्ट एंड स्पा। दोस्तों सच कहूँ तो इतना गुस्सा आ रहा है मुझे अपने आप में कि इतने साल में मुंबई में रहा, महाराष्ट्र में रहा, लेकिन क्यों कभी कोंकण की तरफ मैं मेरा इंटरेस्ट नहीं हुआ और क्यों कभी कोंकण की तरफ मैं बाइक राइडिंग तो छोड़ो मैं घूमने के लिए भी क्यों नहीं गया। अक्सर हर साल में 20 सालों से मैं गोवा ही जाता हूँ, लेकिन गोवा को छोड़ के भी कोंकण में इतनी ब्यूटी है जिसका मुझे अंदाज़ा था, लेकिन फिर भी मेरी गलती है कि मैंने कभी इसे एक्सप्लोर करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा, लेकिन देर से ही सही। लेकिन आज मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं यकीन मानो दोस्तों कह रहा हूँ कि इतनी ब्यूटीफुल जगह, मैं क्या कहूँ, मैं बार बार हर जगह को देख के ऐसा ही कहता हूँ, लेकिन यकीनन दोस्तों ये जगह वाकई में बहुत ही ब्यूटीफुल है। इस वक्त मैं जिस रूम में हूँ उस रूम का एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो मैंने लिया है और मेरे रूम के बाहर का जो व्यू है सामने सीधे समंदर है और इस वक्त जो है सूर्यास्त होने वाला है। मैं सूर्यास्त का भी वीडियो शूट करूँगा और वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। अमेजिंग प्लेस है, अमेजिंग एम्बियंस है, अमेजिंग फील है इस वक्त। सब कुछ जो महसूस कर रहा हूँ कोशिश करता हूँ कि इसे रिकॉर्ड में अभी उतना ही मैं जान डाल पाऊँ इस वीडियो में। तो आपको भी इस वर्चुअल टूर पे, इस वीडियो टूर पे मैं साथ में लेके चलता हूँ। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ उसके ठीक सामने जो व्यू है वो मैं आपको कैमरा रोटेट करके दिखाता हूँ। देखिए ये सामने सीधा सूरज है, नीचे समंदर है, इस तरफ कोकोनट ट्रीज है और ये प्रॉपर्टी इतनी खूबसूरत है कि मैं क्या कहूँ। ये यहाँ पे इस तरीके के जो विलाज है, जैसे देखिए मेरे बाजू में विला है, उसके बाहर बालकनी है, नीचे इतना ब्यूटीफुल गार्डन है, सारी बाइक जो है सामने पार्क की है हमने। और ये हमारे राजीव सर जो हमारे हेड ट्रेनर है जो इस पूरे टूर को लीड कर रहे हैं। हम सीधे अब यहाँ से निकल के बीच की तरफ जाने वाले हैं और बीच के ऊपर जाके बहुत सारी फोटोग्राफी करने वाले हैं। और जैसे हमने कल शाम को बीच पे पूरा हमने एंजॉय किया था फोटोग्राफी का, वैसे आज भी हम करने वाले हैं, बहुत धमाल मस्ती होने वाली है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं सीधे बीच पे। दोस्तों इस वक्त हम भंडारपुरे चौपाटी पे जा रहे हैं, इसका साइन बोर्ड है और आगे मेरे दोस्त जैसे कि चल रहे और काफ़ी राइडर्स जो थक चुके वो पीछे से आएंगे, लेकिन यहाँ जाने का रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस वक्त मेरे साथ मेरे 3-4 दोस्त साथ में हैं और हम यहाँ से सीधे बीच की तरफ जा रहे हैं और पीछे जो है हमारे मिस्टर राजीव शाह, हमारे हेड ट्रेनर, हेड राइडर, और मैं आपको ले चलता हूँ सीधा बीच की तरफ। होटल किधर? होटल। और इस वक्त मिस्टर आशीष भाई, आशीष त्रिवेदी जो कि मुंबई KTM के मैनेजर है, शोरूम मैनेजर है, और सारी बाइक इन्होंने ही हमें दिलाई है बहुत ही रीजनेबल प्राइस में, तो हम इनके भी बहुत शुक्रगुजार हैं। हम सब इस वक्त सीधे बीच की तरफ जा रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा इस वक्त बीच पे दिखेगा बिकॉज सनसेट होने की तैयारी पे है। जैसा कि आप जानते हैं मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि मैं सनराइज़ और सनसेट कभी मिस नहीं करता हूँ। कल गलती से फोटोग्राफी के चक्कर में सही टाइम में पहुंच गया था, लेकिन फोटोग्राफी के चक्कर में मैं उसे कैप्चर नहीं कर पाया, लेकिन आज मैं वैसे गलती नहीं करूंगा। इसलिए हम 3-4 लोग पहले ही निकल चुके हैं और इसका लोकेशन जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप में सभी दोस्तों के लिए डाल दिया ताकि वो भी इस मोमेंट को मिस नहीं करे। देखिए इस वक्त ठीक मेरे सामने सनसेट हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ।
ये देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल लोकेशन, कितना खूबसूरत नज़ारा है इस वक्त आपके सामने है।